Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope that you all are fine. Today my lecture is for class 7. Now I am studying today's lecture. Formula F students, a plus b whole का square वो equal होता है a square plus 2ab plus b square. a square minus b square वो equal होता है a plus b into a minus b. अब students हमने इसमें formula बनाने के लिए 2ab add करना है और subtract भी करना है. Now exercise 10b. Resolve into factors. इनको resolve करना है factors में. सेकेंड मेथड है स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने फर्स्ट स्टेप में ए और बी वैल्यूज फर्स्ट ऑफ ऑल राइट की थी और उन 2ab को फर्स्ट स्टेप में ही ऐड भी किया था और सब्ट्रैक्ट भी. अब स्टूडेंट्स सेकेंड मेथड में हम फर्स्ट ऑफ ऑल तो ए बी वैल्यूज को सेपरेट करेंगे, देन हम 2ab को ऐड करेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे. तो स्टूडेंट्स फर्स्ट 12th क्वेश्चन है 4x की पावर 4 प्लस 81. तो स्टूडेंट्स 2 का स्केयर इक्वल होता है 4 के, तो ये आ जाएगा 2x स्केयर होल का स्केयर प्लस 9 का स्केयर इक्वल होता है 81 के, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 9 होल का स्केयर. ये हमारे पास स्टूडेंट्स ए और बी की वैल्यूज आ गई हैं. प्रीवियस लेक्चर में हमने फर्स्ट स्टेप में ही 2ab को ऐड भी किया था और सब्ट्रैक्ट भी. अब स्टूडेंट्स ab को सेकंड मेथड में ऐड करेंगे, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 2x स्केयर होल का स्केयर प्लस 2 फॉर्मूले का. a की वैल्यू गिवन है स्टूडेंट्स 2x स्केयर, b की भी वैल्यू गिवन है 9 प्लस 9 होल का स्केयर. अब स्टूडेंट्स जो हमने ऐड किया उसको सब्ट्रैक्ट भी करेंगे, 2ab ऐड किया है अब सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस 2 इंटू 2x स्क्वायर इंटू 9, ये हमने ऐड किया है इसको सब्ट्रैक्ट भी कर दिया लास्ट पे. अब स्टूडेंट्स ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर वो इक्वल होता है a प्लस b होल के स्क्वायर के, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 2x स्क्वायर होल प्लस 9 होल का स्क्वायर माइनस नेक्स्ट वैल्यूज को स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आ जाएगा 36x स्क्वायर. अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्टेप में 2x स्क्वायर प्लस 9 होल का स्क्वायर वो तो एज इट इज राइट करेंगे, माइनस 6 का स्क्वायर इक्वल होता है स्टूडेंट्स 36 के, तो ये आ जाएगा 6x होल का स्क्वायर. अब स्टूडेंट्स a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वो इक्वल होता है a प्लस b इंटू a माइनस b, तो स्टूडेंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसको प्लस की फॉर्म में राइट करेंगे, ये आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6x इंटू 2x स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x. अब स्टूडेंट्स x की वैल्यू 9 से पहले लिखेंगे, जो सिंगल x की टर्म है x स्क्वायर के बाद उसको राइट करेंगे, तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 इंटू 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9. तो ये स्टूडेंट्स हमने इसका आंसर फाइंड कर लिया है, 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 इनटू 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9. नेक्स्ट है 13th क्वेश्चन, 9x की पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 1. फर्स्ट ऑफ ऑल तो स्टूडेंट्स ए बी वैल्यूज को सेपरेट करेंगे, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 3 का स्क्वायर इक्वल होता है 9 के, फर्स्ट ऑफ ऑल तो 3x स्क्वायर होल का स्क्वायर और लास्ट वाला जो 1 है वो b की वैल्यू है प्लस 1 होल का स्क्वायर और माइनस 3x स्क्वायर को लास्ट पे राइट करेंगे. अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट टाइम में हमने फॉर्मूला बनाना है, तो स्टूडेंट्स ऐड करेंगे 2 इंटू 3x स्क्वायर इंटू 1, ए की वैल्यू हमारे पास गिवन है स्टूडेंट्स 3x स्क्वायर है और बी की वैल्यू है 1, 2ab ऐड भी करेंगे और सब्ट्रैक्ट भी करेंगे लास्ट पे, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 3x स्क्वायर होल का स्क्वायर प्लस 2 फॉर्मूले का, ए की वैल्यू है 3x स्क्वायर बी की वैल्यू है 1 प्लस 1 होल का स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर वो तो एज इट इज आएगा लास्ट पे सब्ट्रैक्ट भी करेंगे, तो ये आ जाएगा माइनस 2 इंटू 3x स्क्वायर इंटू 1, जो ऐड किया स्टूडेंट्स वो सब्ट्रैक्ट भी करेंगे लास्ट पे, तो ये स्टूडेंट्स a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 1 होल का स्क्वायर लास्ट पे माइनस 3x स्क्वायर वो तो एज इट इज लास्ट वाली वैल्यूज को मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आ जाएगा माइनस का 6x स्क्वायर. अब स्टूडेंट्स फर्स्ट जो वैल्यू गिवन है 3x स्क्वायर 3x स्क्वायर प्लस 1 होल का स्क्वायर उसको तो एज इट इज राइट करेंगे, तो लास्ट पे जो है हमारे पास 6x स्क्वायर और 3x स्क्वायर है इनको ऐड करेंगे, तो ये आ जाएगा माइनस 9x स्क्वायर. नेक्स्ट स्टेप में अगेन 3x स्क्वायर प्लस 1 होल का स्क्वायर उसको एज इट इज राइट करेंगे, 3 का स्क्वायर इक्वल होता है 9 के, तो ये आ जाएगा माइनस 3x होल का स्क्वायर. अब स्टूडेंट्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो वो इक्वल होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो इसको वन टाइम प्लस में राइट करेंगे, तो ये आ जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 3x इंटू 3x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3x. अब स्टूडेंट्स जो सिंगल x की वैल्यू है उसको 1 से पहले राइट करेंगे, तो इसका हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा, ये आ जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इंटू 3x स्क्वायर माइनस 3x
प्लस वन। तो ये स्टूडेंट्स हमने इसका आंसर फाइंड कर लिया है, थ्री एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस वन इंटू थ्री एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस वन। नेक्स्ट है 14th क्वेश्चन, x की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वन। तो स्टूडेंट्स एक्स स्क्वायर का स्क्वायर वो इक्वल होता है x की पावर 4 के, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर होल का स्क्वायर, और लास्ट वाला जो वन है वो b की वैल्यू है, तो ये आ जाएगा वन का स्क्वायर, और जो एक्स स्क्वायर है उसको लास्ट पे राइट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमने ए बी की वैल्यू सेपरेट कर ली, अब स्टूडेंट्स 2ab ऐड भी करेंगे और सब्ट्रैक्ट भी करेंगे, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर होल का स्क्वायर प्लस 2। फॉर्मूले का एक्स स्क्वायर जो है वो a की वैल्यू है 2a, a की वैल्यू एक्स स्क्वायर है, b की वैल्यू 1 प्लस 1 होल का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, वो तो एज इट इज आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स 2ab हमने ऐड किया, लास्ट पे सब्ट्रैक्ट भी करेंगे, माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 1। अब स्टूडेंट्स जो हमारे पास ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो ये आ जाएगा a प्लस b होल का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल का स्क्वायर, प्लस का एक्स स्क्वायर वो तो एज इट इज, लास्ट पे मल्टीप्लाई करेंगे 2 को एक्स स्क्वायर के साथ, ये आ जाएगा माइनस 2x स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट टाइम में सब्ट्रैक्ट करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल का स्क्वायर वो तो एज इट इज आ जाएगा, माइनस की वैल्यू बढ़िया तो ये आ जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट टाइम में अगेन एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल का स्क्वायर वो तो एज इट इज आ जाएगा माइनस एक्स होल का स्क्वायर, अगेन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो वो इक्वल होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। वन टाइम इसको प्लस में राइट करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स। अब स्टूडेंट्स जो सिंगल एक्स है उसको 1 से पहले राइट करेंगे, तो ये आ जाएगा इसका आंसर लास्ट पे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। तो ये स्टूडेंट्स हमने इसका आंसर फाइंड कर लिया है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। नेक्स्ट है 15th क्वेश्चन, एक्स की पावर 4 प्लस 3 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 4 वाई की पावर 4। तो स्टूडेंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारे पास जो ए की वैल्यू है एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, ये हमारे पास एक्स की पावर 4 के इक्वल होता है, तो ये हमारे पास ए की वैल्यू है, और लास्ट पे 2 का स्क्वायर इक्वल होता है 4 के, तो ये स्टूडेंट्स 2 वाई स्क्वायर होल का स्क्वायर, ये हमारे पास बी की वैल्यू है, और जो 3x square y square है उसको लास्ट पे राइट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ab वैल्यूज को सेपरेट कर लिया है, नेक्स्ट टाइम में स्टूडेंट्स 2ab को ऐड करेंगे और सब्ट्रैक्ट भी करेंगे, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स x square होल का square प्लस 2। फॉर्मूले का a की वैल्यू गिवन है x square, b की भी वैल्यू गिवन है 2y square प्लस 2y square होल का square, और लास्ट पे अब स्टूडेंट्स माइनस भी करेंगे 2ab, तो ये आ जाएगा प्लस 3x स्क्वायर y स्क्वायर वो तो एज इट इज आ जाएगा माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 2y स्क्वायर, ये हमने ऐड भी किया और सब्ट्रैक्ट भी कर दिया है। अब स्टूडेंट्स a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर वो इक्वल होता है a प्लस b होल के स्क्वायर के, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर होल का स्क्वायर, लास्ट जो नेक्स्ट वैल्यू है प्लस 3x स्क्वायर y स्क्वायर वो तो एज इट इज आ जाएगी, लास्ट वाली जो स्टूडेंट्स 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का 4x स्क्वायर y स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स सब्ट्रैक्ट करेंगे नेक्स्ट टाइम में, x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर होल का स्क्वायर वो तो एज इट इज आ जाएगा 2y स्क्वायर होल का स्क्वायर, माइनस का 4 है और प्लस का 3, तो ये स्टूडेंट्स माइनस का x स्क्वायर y स्क्वायर आ जाएगा क्योंकि माइनस वाली वैल्यू ग्रेटर थी। अब स्टूडेंट्स अगेन नेक्स्ट टाइम में x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर होल का स्क्वायर वो तो एज इट इज आ जाएगा माइनस का एक्स वाई होल का स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स अगेन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला, वन टाइम इसको प्लस में राइट करेंगे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस एक्स वाई। अब स्टूडेंट्स इसको माइनस में राइट करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर माइनस का एक्स वाई। अब स्टूडेंट्स एक्स वाई टर्म को 2y स्क्वायर से पहले राइट करेंगे, तो इस लास्ट में हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस 2y स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट जो ब्रैकेट में है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई को पहले राइट करेंगे 2y स्क्वायर से, प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस 2y स्क्वायर, तो ये स्टूडेंट्स हमने इसका आंसर फाइंड कर लिया है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस 2y स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस 2y स्क्वायर। स्टूडेंट्स टुडे योर नेक्स्ट 4 क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज 10b हैव बीन कंप्लीटेड, इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम इन दिस नेक्स्ट 4 क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज 10b देन यू विल कमेंट मी, इफ यू लाइक माई वर्क प्लीज लाइक माई वीडियो, मे अल्लाह ऑलमाइटी ब्लेस यू ऑल विद हिज स्वीटेस्ट ब्लेसिंग्स, अल्लाह हाफिज़।